नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर आगरा से है। ईद उल फितर के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की जा रही है। ताजनगरी के ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं नमाज के दौरान पुलिस कमिश्नर डीएम नवनीत सिंह चहल और एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही एक दूसरे के गले कर ईद की बधाई भी दी गई है, जबकि मुस्लिम समाज के लोगों ने अमन चैन की दुआ भी मांगी है। देखिए, आज रमजान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है। आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलके इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं और हमारे जहाँ तक पुलिस फोर्स है, वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज को सकुशल कराने में और अच्छे माहौल में, शांति प्रेम भाईचारे के माहौल में कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हुए नजर आए, जबकि शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना भी पूरा हो गया है। ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की, जिसको लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया और रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ये ईद मनाई जाती है, जिसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को शुरू हुआ रमजान का महीना भी पूरा हो गया है, जिसके बाद आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। तो उस दौरान आप प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बाराबंकी, रायबरेली, बिजनौर, औरैया, सुल्तानपुर के साथ शाहजहांपुर में बेहद ही धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां सुबह से ही मस्जिदों में नमाजी पहुंचते हुए दिखाई दिए, नमाज अदा करते हुए नजर आए। इस दौरान सभी नमाजियों ने देश के अमन और चैन की दुआ मांगी है, जबकि इस दौरान पुलिस भी नमाजियों के साथ गले मिलते हुए और उन्हें ईद की शुभकामनाएं देती हुई नजर आई है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां रसूलपुर पकड़ी मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई है। कई लोग मस्जिद में नमाज की जगह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं ईद उल फितर इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। मान्यता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब ने बद्र के युद्ध में जीत हासिल की थी। वहीं नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह टाडा और थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे समेत भारी पुलिस बल के साथ हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया गया है। क्या कहें, मैं होली फल के साथ मेरे ऐसे आदमी हैं और गुजरात में हम लोगों ने मिल करके बनाए रखने में की गई है। ईदगा आप देख रहे हैं कि सबको शांतिपूर्ण चल रहा है। ईद उल फितरत यानी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में पूरे देश में मनाया जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद के रसूलपुर में इस समय हम खड़े हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे वो पूरा वो नज़ारा दिखाएं, आखिर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फितर के त्यौहार का अभिवादन अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार में कुछ लगे हैं, गुब्बारे दिख रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दिख रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मुस्तैद है पूरी तरीके से। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे प्रशासन का पूरा वो मुस्तैदी दिखाएं, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है ईद का त्यौहार संपन्न कराने को लेकर के।
पूरी तरीके से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट के अधिकारी लगाए गए हैं, जैसे कि जिला अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देशन में हर एक मस्जिद में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्थानीय थाना, महिला सिपाही समेत भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मंसूबा साफ है स्थिति को भागते हुए नगर निकाय चुनाव और ऐसे में ईद, धारा 144 तीन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एहतियातन पुलिस अधीक्षक ने भी अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बहरहाल जनपद अंबेडकर नगर में शांति व्यवस्था कायम है, अराजकता का माहौल अभी तक नहीं पाया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन मुस्तैद है। और दूसरी बात तो ये है, कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे दोबारा वो नज़ारा दिखाएं ईदगाह का, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फितरत यानी ईद का त्यौहार, इबादत का त्यौहार जो शांतिपूर्ण ढंग से निपटा रहे हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कहीं न कहीं निभा रही है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अम्बेडकर नगर। लखनऊ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार का खाका तैयार किया है। वहीं सरकार और संगठन प्रचार के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से इस प्रचार की शुरुआत करेंगे। 24 अप्रैल को प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मोर्चा संभालेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन की तरफ से प्रचार की कमान भी संभालने वाले हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब पूरी तरीके से कमर कस ली है और साथ ही अब बीजेपी के सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं, जहां आगामी 24 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से निकाय चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी निकाय चुनाव के प्रचार की जो कमान है वो थाम ली है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है, जहां शुक्रवार को अवैध वसूली और दवाओं की कालाबाजारी समेत अन्य गंभीर आरोपों में घिरे जौनपुर के सीएमएस को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं अनैतिक कार्यों में लिप्त चित्रकूट के डॉक्टर को निलंबित किया गया है, जबकि जौनपुर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पद पर रहते हुए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अवैध रूप से वसूली, इसके साथ दवाओं की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नियमों के खिलाफ काम करने वाले किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि शहर में कोरोना के 91 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा कोरोना से अभी तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक पीलीभीत में 60 और मेरठ में 58 नए मरीज मिले हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अस्पतालों में इसको लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने की भी अपील की गई है। तो इस वक्त पूरे देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि लखनऊ में 291 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर अब लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाने के लिए भी अब लोगों को कहा जा रहा है। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत के तार 11,000 की लाइन की चपेट में कैंटर गाड़ी आ गई, जिससे गाड़ी में बैठे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है, जबकि करंट लगने की वजह से कैंटर चालक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है। ये पूरा मामला थाना लाइन पार के गुदाव आलमपुर का है। तार बहुत नीचे है, हमने कई बार यही साबित करी है कि हाँ तो हम संवार देंगे रात तक नहीं संवरे। और कितना दुर्घटना हुई, लोग शादी में आए कल रात रुके सवेरे दस चले कोई प्रोग्राम बन गया। तो विद्युत विभाग आप गए थे? कई बार यहाँ आई सेकंड आई हम वहाँ गए थे, कोई सुनवाई ना बनने आज तक करी। क्या लगता है लापरवाही है बिल्ली विभाग की? जाऊ बड़ी का लापरवाही हुई। हाँ वो मजदूर आदमी के छोटे छोटे बच्चा हाँ, तो आप देखो कितने नीचे जा रहे हैं आदमी जो पकड़ लेने। जब हमने कही तब जी कह दी जाते हैं हाँ हो जाएंगे सही ठीक हो जाएंगे।
कानपुर के एक होटल में चलने वाले हुक्काबार की खबर पर पुलिस ने आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जिसकी जांच पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जबकि हाईकोर्ट और सीएम योगी के आदेशों का पालन भी नहीं किया गया है। हर दिन शहर में लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा का ये काला कारोबार चलता है, जिसको लेकर पुलिस खाद्य विभाग समेत 25 से ज्यादा विभागों को हुक्काबार पर छापा मारने का अधिकार है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। तो खबर ये कानपुर से दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें भी कानपुर से है, जहां पुलिस अधिकारी जो है वो सीएम योगी के आदेशों का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कानपुर में जो हुक्का बार है वो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में ये हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पर 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मरीजों के साथ एम्बुलेंस चालक और परिचालक अपनी जान खतरे में डालकर एम्बुलेंस चला रहे हैं। दरअसल दुर्घटना में घायल दो मरीजों को लेकर एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस की स्टेयरिंग अचानक से लॉक हो गई, जिससे एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। एम्बुलेंस गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। लाल रंग से रिफर लेके आ रहे थे तो मरीजों के पास स्टेयरिंग लॉक हुई और गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। उसके बाद जो है गाड़ी निकलने की कंडीशन में रही कि अपने सहयोगों को फोन किया, दूसरी गाड़ी आई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम चार लोग थे, दो पेशेंट के साथ, एक लोग मतलब दो पेशेंट थे और हम दोनों थे। कौन सी एम्बुलेंस थी? 108 की एम्बुलेंस थी। और ये जो गाड़ी ख़राब थी, इसकी शिकायत पहले किसी से किया था? इसकी शिकायत पहले हम अपने अधिकारियों से एक महीने पहले से कर रहे थे। गाड़ी स्टीयरिंग लॉक ख़राब था और उसको बनवाने के लिए कई बार हमने कहा, अरे बराबर हम महीने भर से कह रहे थे। दूसरी चीज़ स्टार्ट नहीं था, सिंगल गाड़ी एक महीने से ला रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।